मौलाना अगला सवाल भोपाल से आया है फरहान साहब का और उन्होंने लिखा है कि मौलाना वॉट रोल डज साइलेंस प्ले व्हेन वन इज़ एंग्री मैनी पीपल थिंक इफ़ यू कीप पेशेंस और ऑब्जर्व साइलेंस देन ऑपोजिट पार्टी में फील दैट दे हैव सक्सेडेड ओवर यू दिस मे लीड टू फर्दर एक्सप्लाइटेशन वट इज़ योर इससे ज़्यादा झूठी बात और कोई भी नहीं इसी झूठ में मुसलमान जी रहे हैं सारे दुनिया के मुसलमान इसी में जी रहे हैं और नतीजा दे देख रहे नतीजा क्या निकल रहा है तबाही में इजाफा तबाही में इजाफा ये नहीं कुछ सोचता यानी मुसलमान यही तो कर रहे हैं कि चुप रहने तैयार नहीं तो, तो नतीजा क्या इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट उसको जयजा लें उसका कैसी अजीब गरीब बात है कि चुप न रहने की पारिसी में चल रहे हैं मुसलमान और तबाह हो रहे हर जगह कैसी अजीब बात है कि मुसलमानों के अंदर यानी अपना रिवाइज करने का मादा ख़त्म हो गया रीअसेसमेंट का मादा ख़त्म हो गया हर जगह यही तो हो रहा है फलस्तीन में आप देखिए क्या चुप हो गए वो चुप नहीं है वो लेकिन क्या होता है ये पत्थर मारते हैं वो बम मारता है ये इंडिया में आप देख लीजिए ये फसादा होते इसी होते इसी में होते कि मुस्मान चुप नहीं रहते एक्शन लेते तो चुप न रहने की <coughs> कीमत वहाँ दो सौ साल से भी अदा कर रहे हैं और अभी तक उनके अंदर रीअसेसमेंट नहीं आया। हर जगह जितने फसादा थे और जितने भी दुनिया पर जहाँ जिसको कहते हैं कि हमारे दुल्भ हो रहा है हर कहीं भी मुसलमान चुप नहीं है हर जगह यानी अपना चला रहे हैं तो कम से कम अब तो सोचा अब तो तजर्बा करें चुप रहने का यानी चुप रहने का तजर्बा ही नहीं किया मुसलमानों ने और सवाल करते हैं हमारे मछर में पहली बार चुप रहने का तजर्बा किया गया और लाख फल से उसे तो बहुत फायदे हुए हमारे मशर के बाद कोई है ही नहीं जिसे चिप का तजर्बा किया हो दो सौ साल में तो ये सब सवाल तो मुझे अजीब वाल बोता है